हेलो हाय प्रणाम पहला राम राम ज्योत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और मैं शर्मिला रावत बसेरा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शर्मिला डायरी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज है 25 अगस्त। पहुँची थी मैं परसों घर। अभी मैं व्लॉग अपडेट कर ही पाई थी कि मैं कल छत में जा रही थी, कपड़े, बारिश आई थी। पहले तो मेरे को मंदिर जाना था, कल आठों थी तो मंदिर जाना था, उससे पहले मैं कपड़े हटा के गई थी। मेरे हस्बैंड ने दोबारा से छत में कपड़े फैला दिए, तो और फिर बारिश आ गई तो उन्होंने बोला छत से पक कपड़े उठाओ। ठीक है, हालांकि मैंने उनको बोला भी अभी आधे घंटे के लिए तुमने क्यों बारिश में कपड़े डाल दिए। ठीक है, वो जो होना था तो सो शायद ये होना ही था। और मैं गई, मैंने सारे कपड़े वपड़े उठा लिए। हमेशा तो लॉन्ड्री बैग होता था मेरे पास, और कल मेरे पास लॉन्ड्री बैग वो लोग कपड़े फैला के नीचे ले आए। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मैं ऊपरी रख देती हूँ कि सूखेंगे, फिर इसी में लेके जाऊंगी। और मेरा पाँव स्लिप हो गया। पाँव स्लिप हुआ तो हुआ, मतलब मैं एक पाँव मेरा आगे था और एक पाँव मेरा बिल्कुल पीछे हो गया, समझे। और जो ये एंकल होता है, पंजा, एड़ी और पंजा बिल्कुल बैक साइड को ट्विस्ट हो गया। मुझे एक मिनट के लिए इतनी गर्मी लग गई, इतनी गर्मी, मतलब मेरा मुंह सूख गया दर्द के मारे, मुझे समझ नहीं। और सबसे बड़ी बात उस समय क्या हुआ कि घर में कोई भी नहीं और मैं छत में। मैंने सोचा अब तो क्या होगा क्या होगा, समझ नहीं आया। मैं उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं स्लिप हो जा, फिर नहीं उठ पा रही थी क्योंकि कपड़े भी थे मेरे हाथ में। मुश्किल से मैं उठी, दो कदम आगे बढ़ी थी, फिर मैंने दरवाजे का सहारा लिया और खड़ी हो गई। और फिर मतलब 4:02 या 3 मिनट में, क्योंकि वो लोग कोनाक एकेडमी जा रहा था, उसने मुझे आवाज़ दी कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं छत से ही मैं उनको उसको बाय बोला, तो 4-3 या 5 मिनट के अंदर मैं गिर गई। और घर में मेरे को मेरी आवाज़ सुनने के लिए कोई भी नहीं और उठाने के लिए कोई भी नहीं। मुझे बहुत रोना भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, और दर्द तो जो हो रहा था सो हो रहा था। फिर मैंने सोचा मेरी मेड आ जाएगी, मतलब तारा मेरी हेल्पिंग हैंड है तो वो आ जाएगी। मैं सोचा वो आएगी तो मैं उसको आवाज़ देती हूँ, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। फाइनली मेरी चाची, खुशी की मम्मी आई ऊपर, तब उन्होंने बोला कहाँ हो तुम? तब तक मैं नीचे आ चुकी थी, मतलब ऊपर से मुश्किल से मैं नीचे आ चुकी थी। और जैसे उन्होंने बोला क्या हुआ, तो मेरे को दर्द हो रहा था तो रोना भी आ रहा था और हंसना भी आ रहा था। फिर मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे मैं गिर गई। फिर दानी आए कुछ 6 बजे। दानी पहले आए थे लेकिन वो ऊपर नहीं आए, डेयरी में ही रहे। अब मैं आवाज़ कैसे दूँ? और फिर उसके बाद वो 6 बजे आए, फिर मैंने आइसिंग किया, मतलब तो अभी भी मैं आइसिंग कर रही हूँ क्योंकि स्वेलिंग हो चुकी। और आज भी कोई भी घर में नहीं है क्योंकि कुनार का मैच है आज। चकलवा में तो देखिए मैं कर रही हूँ अपने पाँव में आइसिंग। तब मेरे को एक बार के ये भी लगा कि यार कोई नहीं होता है किसी का, जब परेशानी होती है तो खुद ही झेलना पड़ता है। तो देखिए मैं कर रही हूँ आइसिंग, तो दर्द तो है, स्वेलिंग भी है, चला नहीं जा पा रहा है, तो मैं आइसिंग कर रही। कर भी कल रात भी किया था, फिर अभी एक आइस पैक भी है और ये मैंने इसमें आइस जमा के रखा था, फिर वो भी किया, कल भी किया, तो देखते हैं। फिर मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला आप इसमें आइस पैक लगाओ, और फिर अभी लगाऊंगी मैं इसमें। कल रात को भी फिर एलोवेरा और हल्दी लगाया था, और अभी देखते हैं। एक पेड़ होता है कैस्टर ऑयल का, जो कैस्टर का पेड़ होता है उसकी पत्ती मंगाती हूँ, फिर उसके साथ दोबारा सिकाई करती हूँ। फिर मैंने एक लोहे के बर्तन में थोड़ा सा सरसों का तेल गरम किया, थोड़ा अजवाइन डाला और थोड़ा सा हल्दी और चूना डाल करके उसको, मतलब थोड़ा सा पकाया, मतलब उतना पकाया कि हल्दी जले ना, और थोड़ा सा गुनगुना ही मैं इस पत्ते पे डालूँगी और फिर मेरे पाँव पे लगा दूँगी, क्योंकि गर्माहट जितना मेरा पाँव बर्दाश्त कर सकेगा उतना ही करूँगी, और फिर बांध करके हम रखेंगे। तो इससे क्या होगा, जो खून वगैरह जमा होगा वो फट जाएगा, और उससे थोड़ा मुझे, ये देखिए ये है कैस्टर का पत्ती, मतलब कैस्टर लीफ, और उसमें ऐसे मैंने हल्दी वल्दी लगाया, फिर मैंने अपने पाँव में बांध दिया। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से मेरा पाँव ठीक हो जाएगा और फिर मैं जल्दी जल्दी से ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि इतनी इजीली नहीं बन पाएगा मुझसे, क्योंकि
कहीं मूवमेंट ज़्यादा नहीं करना है मेरे को। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। लव यू ऑल, सी यू सून।